सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन सारस पूनावाला का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे डोज के 6 महीने बाद इसके बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। हालांकि उनके इस बयान पर कई एक्सपर्ट की राय अलग अलग है। ऐसे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना की बूस्टर डोज से डेल्टा प्लस वेरियंट रुकेगा और इन बूस्टर डोज की किनको जरूरत पड़ सकती है। आइए डालते हैं एक नजर। बूस्टर डोज क्यों? अधिकतर जानकार मानते हैं कि कोरोना की 2 डोज के बाद भी कोरोना संक्रमण यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बना हुआ है, क्योंकि एंटीबॉडी की उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इधर इसराइल ने बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया है। बूस्टर डोज किसके लिए? जानकार मानते हैं कि बूस्टर डोज की जरूरत उन लोगों को पड़ सकती है जिनकी इम्यूनिटी कम है और जिन्हें वैक्सीन लगने में 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। बता दें कि इसराइल में कम इम्यूनिटी वालों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। नए वेरिएंट का कहर। नए वेरिएंट से वैक्सीनेटेड लोगों में भी संक्रमित हो रहे हैं। इधर WHO ने डेल्टा वेरिएंट को बड़ी चिंता बताया है। ज्यादातर वैक्सीनेटेड लोगों पर भी डेल्टा वेरिएंट का असर देखने को मिला है। उधर अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण बढ़ा है। अमेरिका में फिर से कोरोना के रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। डेल्टा के साथ डेल्टा प्लस से भी चिंता बढ़ी है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट 32 देशों में सामने आ चुका है। डेल्टा के साथ लैम्बडा वेरिएंट ने भी चिंता बढ़ाई हुई है। उधर जापान में लैम्बडा वेरिएंट को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। लैम्बडा से कितना खतरा? लैम्बडा से चिली में वैक्सीनेटेड लोगों को संक्रमण हो रहा है। लैम्बडा से लोगों की एंटीबॉडी कम हो रही है। वहीं लैटिन अमेरिका के करीब 26 देशों में लैम्बडा का कहर देखने को मिल रहा है। डेल्टा का वैक्सीन पर कैसा असर है? डेल्टा प्लस के प्रसार से वैक्सीन का असर घटा है। अमेरिका के कई शहरों में नए संक्रमण पर स्टडी की जा रही है। मिनिसोटा में स्टडी को चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। पहले अमेरिका में टीके 90% ज्यादा प्रभावी हुए हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।